एसो जेनफोन मैक्स प्रो M3। हाँ गईज, आप लोगों को पता है इस फ़ोन के बारे में अभी बहुत सारी लीक्स के मुताबिक, मतलब बहुत लीक्स आ रही हैं और इसका प्राइस, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट भी इंडिया के अंदर थोड़ा रिवील्ड हो गया है। तो इस फोन को पूरा देखिएगा, इस फोन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस फोन को पूरा देखिएगा, जल्द फोन को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब देखा आपने नहीं किया है कि मैं आपके लिए इस दिन में तो दौड़ लगा देता हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसो जेनफोन मैक्स प्रो M3 जो होगा एक बहुत ही बढ़िया फोन होगा। एसो जेनफोन मैक्स प्रो M2 भी बहुत ही बढ़िया फोन था, कुछ कुछ चीज़ों पर ठीक नहीं था, बस मुझे उसकी नॉच पसंद नहीं आई, वरना फोन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था और अच्छा मार्केट। और एसो जेनफोन मैक्स प्रो M1 वो तो भाई अभी भी चल रहा था और अभी इतनी सेल आई है तो लोगों ने बहुत भर भर के इस फोन को लिया है। अब एसोस जेनफोन मैक्स प्रो M3 की बारी आ रही है, प्रो M3 की। तो अब इस बार तो जेनफोन नहीं आएगा, बस इस बार एसोस मैक्स प्रो M3 आ जाएगा, क्योंकि चलो शॉर्ट फॉर्म हो गया, अच्छा हो गया, वरना बहुत बड़ा नाम हो जाता था। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के, मैं इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। गाइज़ ये जो फ़ोन है ये अभी तो आपको देखने नहीं मिलने वाला है, बट एक्सपेक्टेशंस हैं, आ रही हैं कि ये फ़ोन हमें देखने मिल सकता है अगस्त या अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर और अगस्त ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, एक दो महीना ही बात है। तो लेट्स सी, आता है तो हमको जरूर बता देंगे, जो भी इसकी मतलब कुछ भी लीक्स आती हैं, कुछ भी आएगा आपको जरूर बता देंगे, क्योंकि एसोस 6GB लॉन्च हो गया है तो अब ये फ़ोन बहुत जल्दी आने वाला है। और इनके जो एक मैनेजर है उन्होंने भी एक बोला था, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताएंगे, बट आएगा, मतलब ये फ़ोन कन्फर्म है। तो अगस्त या अक्टूबर या नवंबर तक आपको फ़ोन डेफिनेटली मिल जाएगा, नवंबर तक मुझे तो लगता है आ ही जाएगा। चलिए प्राइस सेगमेंट में आता हूँ, तो इस फ़ोन का भी जो प्राइस होगा वो ज़्यादा महंगा नहीं होगा, और शायद इस बार 3GB RAM और 32 वाला जो वेरिएंट लाता था एसोस वो इस बार ना आए। हाँ गाइस, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बट 4GB RAM और 64GB से चालू, शायद से चालू हो, 15,000 रुपये के अंडर ही होगा। तो लेट्स सी, बढ़िया बात रहेगी, 15,000 रुपये के नीचे ये फ़ोन आपको देखने मिल जाएगा। चलिए गाइस आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन में, क्या क्या इस फोन में हमें स्पेसिफिकेशन देखने मिलने वाली है। सबसे पहले बात करता हूँ डिज़ाइन के मामले में, डिज़ाइन वही आपको पॉलीगार्मेंट का डिज़ाइन मिलेगा जैसे एसोस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में मिला था, कोई नया चेंजेस नहीं आएगा, डिज़ाइन वैसे ही आपको देखने मिलेगा। प्लास्टिक बॉडी, डिस्प्ले में आता हूँ, 6.4 इंच का यहाँ पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, पंच होल के साथ आएगा और IPS पैनल देखने मिलेगा। हाँ गाइज, आई थिंक 15,000 रुपये में एक पंच होल दे रहे हैं, 6.4 इंच का एक अच्छा डिस्प्ले, तो आई थिंक पंच होल भी है बट एमोलेड पैनल नहीं होगा इसमें। तो डिस्प्ले अच्छा है 6.4 इंच का, आई थिंक पंच होल के मतलब जिनको चाहिए 20,000 रुपये का M40 अच्छा, तो यही 15,000 का है, तो डेफिनेटली ये बात सही है। तो आई थिंक डिस्प्ले वाइज ये फोन बहुत ही बढ़िया मुझे लगा है, पंच होल दे रहा है, आई थिंक डेफिनेटली अच्छा है। अगर मैं बात करता हूँ तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे जो लीक्स हैं, लोग बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 730 आएगा, 730G आएगा, नहीं मेरे भाई, यहाँ पे हमें मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर। हाँ गाइस, बिकॉज ये बात कंफर्म तो अभी नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है तीन प्रोसेसर में कोई ना कोई एक प्रोसेसर होगा, इसमें कंफर्म आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक है हमारा स्नैपड्रैगन 675 जो बहुत ही बढ़िया बेस प्रोसेसर है, एंड देन आ जाता है स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर, आप पता है थोड़ा पुराना प्रोसेसर हो गया, बट ये मुझे, मैं नहीं चाहता कि ये वाला प्रोसेसर आए, और एक हो सकता है यही स्नैपड्रैगन 712। और मेरे हिसाब से जो है 712 आता है तो डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी, हम बहुत ही बड़े प्रोसेसर होगा, एंड क्योंकि एसोस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में हमें 660 का प्रोसेसर मिला था और इसमें हमें एसोस मतलब इसमें स्नैपड्रैगन 712 दे दे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो लेट्स सी, जो भी होगा हम आपको जो बता देंगे, बट इन तीनों प्रोसेसर में ही कोई ना कोई सा आपको इसमें फोन में प्रोसेसर देखने मिलने वाला है, तो ये आप बात लिख के ले लीजिए। चलिए ये जा जाते हैं कुछ कैमराज के बारे में, बिकॉज यहाँ पे मैं ट्रिपल रियर कैमरा इस बार देखने मिलेंगे, एंड फ्रंट में भी अच्छा पंच होल के साथ कैमरा मिलेगा। तो रियर कैमरा में बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे इसको जो रियर का प्राइमरी सेंसर होगा वो होगा 48 MP का, जो सोनी के 586 के सेंसर के साथ आएगा, जो एकदम बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी है। देन हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, देन डेप्थ सेंसर मिलेगा, अब ये नहीं पता कितने मेगापिक्सल का होगा, बट जो मेन सेंसर है वो 48 MP का सोनी के 586 के सेंसर के साथ आने वाला है। तो देन कैमरा वाइज भी अच्छा है यार, तो रियर वाला कैमरा भी अच्छा, ट्रिपल रियर मिल जाएंगे, अल्ट्रा वाइड एंड डेप्थ सेंसर भी। तो सेल्फी में आता हूँ, सेल्फी में हमें यहाँ पे गाइस बोला जा रहा है 25 MP ही सेल्फी देखने मिल सकती है हमें पंच होल के साथ, तो डेफिनेटली बढ़िया बात रहेगी, बिकॉज पंच होल भी है, सेल्फी भी अच्छी देनी पड़ेगी क्योंकि इन डिस्प्ले कैमरा हो जाएगा ना वो, तो बढ़िया है, कैमरा भी हमें अच्छा है, पंच होल के साथ 25 MP की सेल्फी देखने मिल जाएगी। बैटरी में आता हूँ गाइस, यहाँ पे हमें बैटरी मिल जाएगी 5000 mAh की बैटरी, जैसे हमें एसोस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में मिली थी, टाइप सी भी आएगा और फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी इस फोन के अंदर आपको देखने मिल जाएगा, बॉक्स के अंदर दे दे शायद एसोस, बिकॉज एसोस करता भी है बॉक्स के अंदर देता है, उसके जैसे नहीं है शाओमी जैसा, तो थोड़ा नहीं देता है कभी कभी, बट कोई बात नहीं। चलिए गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो बैटरी अच्छी है, 5000 mAh बैटरी, टाइप सी भी दे रहा है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी है, तो मैं से बैटरी भी दी है। UI अगर बात करता हूँ, एंड्रॉइड इन आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, स्टॉक एंड्रॉइड से रन करेगा, जो भाई बहुत ही बढ़िया बात है। गाइस ये पूरा एसोस जेनफोन मैक्स प्रो M3, एंड डेफिनेटली इंडियन मार्केट में ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब मैंने कंपनी कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्द इस फोन को लॉन्च कर दे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लोग इस फोन का भी वेट कर रहे हैं। नोट 8 प्रो भी आने वाला है, रेडमी नोट 7 8 प्रो भी आने वाला है, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन फोन को भी जल्दी से इनको लॉन्च कर देना चाहिए। पता ना आपको कब लगता है कि कब आएगा ये। तो बस गाइस आज का बस यहीं पे खत्म होता है, आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दो, मतलब ये आज का पहला वीडियो यहीं पे खत्म होता है, आप लोग वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया कि मैं आपके लिए दिन में दो वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।